आज आपने एक कमेंट करके हमसे पूछा है कि हेलो कैन यू मेक वीडियो, व्हाट आर ऑफर्स इन फ्लिपकार्ट ऑन सैमसंग टैब। तो आज मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट ऑफर्स में सैमसंग टैब को बाय कर सकते हैं। तो धर्मदेव जी, आपने बिल्कुल सही समय पे कमेंट किया है। अभी जो है फ्लिपकार्ट में ऑफ़र चल रहा है बिग सेविंग डेज, जो कि 3 मई से लेकर के 8 मई तक है, लेकिन आज तो 2 मई है और 2 मई को भी ऑफ़र अवेलेबल है, इसलिए कि मैं फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो हूँ फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हूँ, इसलिए मुझे पहले ही पता चल जाता है कि अगला जो ऑफ़र है वो कब आने वाला है और उस प्रोडक्ट का दाम कितना कम होने वाला है ऑफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिग सेविंग डेज लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको धर्मदेव जी, आपको मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आप सैमसंग टैब को ख़रीदेंगे, जो आपको पूरा ऑफ़र मिलेगा और कौन सा टैब आपको ख़रीदना चाहिए, साथ में ये भी हम आपको बताएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी मेरे भाई, अगर आप यहाँ से आईफोन 12 ख़रीदना चाहते हैं, तो आईफोन 12 में बहुत ज़्यादा दाम गिरावट आया हुआ है। जो आईफोन 12 का 64 GB वर्जन था वो लगभग 60,000-61,000 में मिल रहा था, जो कि अभी मात्र 52,000 में मिल रहा है। ये फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हैं हम, इसीलिए आज हमको ये दिखा रहा है। 2 मई है आज, लेकिन 3 मई मतलब कल से ये आप इसे 52,000 रुपये में ख़रीद पाएंगे 8 मई तक। ये बाद में दाम कम या ज़्यादा हो सकता है। और जो आईफोन 12 का 28 GB वेरिएंट है, 28 GB वेरिएंट आपको 57,000 में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिल रहा है इसमें। देखिए आईफोन 12 का 28 GB वेरिएंट मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है। देखिए आईफोन 12 256 GB में 8200 रुपये का ड्रॉप हुआ है, मतलब कमी आया हुआ है इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप आईफोन 12 का 128 GB वाला वर्जन लेना चाहते हैं, तो ये आपको 56,999 में मिलने वाला है, यानी कि 57,000 में, जो आपको अभी शो कर रहा होगा 65,000 के आसपास, यानी कि 65,000 के आसपास शो कर रहा होगा, और कल ये आपको 57,000 में अवेलेबल हो जाएगा। इससे पहले आपको अभी YouTube पे कोई भी नहीं बताएगा कि इस पे ऑफ़र चल रहा है, लेकिन मैं Flipkart का प्लस मेंबर हूँ, इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं कोई भी फ़ोन या और कोई आइटम, तो आप बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं, अभी आपको बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए धर्मदेव जी, अब हम आपको बताते हैं कि आपको सैमसंग का जो टैब है उसको ख़रीदने से कैसे आपको ऑफ़र मिलेगा और कौन सा टैब लेना चाहिए। तो देखिए, ये सैमसंग का टैब है, A8 4 GB रैम और 64 GB वेरिएंट है ये टैब। फ़िलहाल मैंने सारे टैब को मैंने सर्च के, जो अंडर 20,000 20 से 25,000 के बीच में मैंने सारे टैब को देखे सैमसंग का, तो मुझे सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 4 GB 64 GB वेरिएंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं आपको कौन सा लेना है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4 GB 64 GB वेरिएंट वाला आप ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं और इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया है। और इसका जो अभी फ़िलहाल जो ऑफ़र चल रहा है 21,999, यानी कि 22,000 रुपये का इसका कीमत है। अगर आप इसे अमेजन से बाई करेंगे तो ये आपको 24,500 का आएगा, जिसमें आपको 2500 रुपये का फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसे SBI क्रेडिट कार्ड से बाय करेंगे धर्मदेव जी, तो ये आपको 20,749 रुपये में मिल जाएगा। साथ में बात करें तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या फीचर दिए हुए हैं, तो मैं आपको ये एक एक करके बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलने वाला है। इसमें 10.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है, 8 MP का प्राइमरी कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। ये टैब एंड्रॉयड 11 वर्जन का है। इसमें बैटरी आपको 7040 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो अच्छा खासा है, यानी कि 7040 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है, जो ठीक ठाक है। और इसमें आपको वॉइस कॉल में मिलने वाला है, इसमें सिंगल सिम होता है और इसमें LTE सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसे कहते हैं। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो कि हमें
फ़ोन और डेटा के बीच की स्पीड को ये बढ़ाता है और अच्छा खासा प्रोसेसर होता है। इसमें प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर मिल जाता है जो नॉर्मली यूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेते हैं तो आपको 40,000 से अबव जाना पड़ेगा। अगर आप 40,000 से ऊपर लगाते हैं तभी आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा। तो ठीक ठाक कुल मिला के कहें तो 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर या मीडियाटेक ही मिलेगा, तो कुल मिला के ठीक ठाक है। इसमें आपको वाईफाई प्लस 4G कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसकी जो डिस्प्ले है फ्रेंड्स वो फुल HD डिस्प्ले है। और साथ में कहें फ्रेंड्स, अगर आप इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर बाय कर सकते हैं। कुल मिला के ठीक ठाक है। इसकी कैमरा उतनी अच्छी नहीं है, कुल मिला के लगभग आपको कैमरा का परफॉर्मेंस जो है, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है। 5 मेगापिक्सल होने के कारण इसका कैमरा बहुत ज़्यादा तो आपको बेटर नहीं मिलेगा, लेकिन कुल मिला के ठीक ठाक हम कह सकते हैं। इसका बैटरी भी बहुत अच्छा है, बैटरी की रेटिंग अच्छी है, डिस्प्ले सही है, परफॉर्मेंस भी सही है। कैमरा में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप और दूसरा टैब लेना चाहते हैं तो दूसरा टैब और भी कम का है। जो मैं आपको एक और टैब के बारे में बताऊँगा वो है रियलमी का पैड। तो चलिए मैं रियलमी पैड के बारे में आपको बताता हूँ। रियलमी पैड अगर आप लेंगे फ्रेंड्स, वो 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और ये भी अच्छी खासी टैब है और ये भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। और जहाँ आपको सैमसंग का टैब है 8, वो आपको 22,000 के समथिंग मिल रहा है। और अगर आप रियल मी पैड लेते हैं 4GB 64GB वेरिएंट, तो आपको ये मात्र 18,000 में मिल जाता है। ये 40% का डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट पे और बेस्ट सेलर में शामिल है। और इसमें आपको 10.4 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है और ये भी 4G से लेस है। इसमें आपको फ्रेंड्स 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। 8 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। ये भी एंड्रॉयड 11 टैबलेट है। इसमें आपको बैटरी 7100 mAh की मिलती है, जिसमें आपको सैमसंग में देखे थे 7740 था और इसमें 60 mAh आपको ज़्यादा मिल रहा है। और कुल मिला के बात करें तो इसके जो प्रोसेसर है मीडियाटेक है और उसमें आपको ऑक्टा कोर मिल रहा था, तो उसे मीडियाटेक प्रोसेसर के मामले में चाहें तो थोड़ा सा बेटर ये है रियलमी का G80। इसमें आपको गेमिंग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है लेकिन हीलियो G80 मिल रहा है, तो आप नॉर्मल कहें तो आप सब कुछ ठीक ठाक से यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया ये दोनों ही टैब मुझे अच्छा लगा है। तो आप दोनों टैब में से जो टैब लेना चाहते हैं, अगर आप 18,000 के समथिंग में अगर आपका रेंज है तो आप बिल्कुल रियलमी का पैड ले सकते हैं, ये ठीक ठाक है रियलमी पैड। और अगर आप थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, 22,000 तक लगाना चाहते हैं और एक आपको ब्रांडेड कंपनी चाहिए, सैमसंग का ही टैब लेना है, तो आप सैमसंग A8 ले सकते हैं, वो भी एक बढ़िया टैबलेट है। तो अब आप अपनी चॉइस पे देख लें आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर आपको कोई अदर कंपनी का टैबलेट अच्छा लगता है तो वो भी बाय कर सकते हैं, मेरे तरफ से आपको कोई भी फोर्स नहीं है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक यहाँ से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब, इस बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो इस कॉमेंट बॉक्स में जाकर हमें कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।